नरेंद्र मोदी जी आजादी के बाद एकमात्र ऐसे पीएम है जो 51 टाइम नॉर्थ ईस्ट में आए हैं और नॉर्थ ईस्ट के डेवलपमेंट को आगे बढ़ाया है 51 टाइम। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, बीजेपी को एक मजबूत पार्टी बनाइए, एक स्ट्रॉन्ग पार्टी बनाइए, मेघालय में करप्शन को हम समाप्त कर देंगे, हमेशा के लिए समाप्त। नरेंद्र मोदी सरकार ने 8 साल में मेघालय में नेशनल हाईवे के निर्माण के लिए 5,000 करोड़ रुपया 5,000 करोड़ रुपीज खर्च किए। मेघालय एनर्जी कॉर्पोरेशन अगर नहीं चलेगा तो 24 आवर इलेक्ट्रिसिटी आपके घर में नहीं पहुंचे। और अगर आप सरकार नहीं बदलते, बीजेपी को मजबूती के साथ इलेक्शन में जिताते नहीं है तो मेघालय एनर्जी कॉर्पोरेशन नहीं चल सकती। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आप भारतीय जनता पार्टी को वोट दीजिए, मजबूत पार्टी बनाइए, गारो हिल पर मेडिकल कॉलेज बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। किसान भाइयों के लिए, फार्मर्स के लिए कनेक्टिविटी की सुविधा भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी, जिससे मेघालय के ऑर्गेनिक सब्जियां, वेजिटेबल्स और फ्रूट पूरे विश्व में जाने की संभावना बनेगी, इसका एक्सपोर्ट हो पाएगा और हमारा फार्मर बहुत अच्छे मुनाफे के साथ वेजिटेबल और फ्रूट्स की खेती करेगा। हम वादा किया है कि पूरे भारत में सारी एजुकेशन व्यवस्था को हम स्थानीय भाषा में करेंगे। मैं आज कहकर जाता हूं, प्राइमरी, सेकेंडरी और हायर एजुकेशन ये सभी कोर्सेज गारो भाषा के अंदर चालू करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी। मेघालय के स्टूडेंट्स को मेडिकल पढ़ने के लिए कहीं और जाना नहीं पड़ेगा, मेघालय का बच्चा, मेघालय का स्टूडेंट गारो में और शिलोंग में दोनों जगह मेडिकल की पढ़ाई कर पाए, ऐसी व्यवस्था ये भारतीय जनता पार्टी करेगी। मैं आज कहना चाहता हूं, हमने खासी और जयंतिया क्षेत्र में और यहां पर भी तुरा में एक आईटी पार्क बनाने का निर्णय किया है, एक ऐसी जेड एक्सपोर्ट के लिए आर्थिक क्षेत्र बनाने का निर्णय किया है।